टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नए अरमान और रूही की एंट्री हो चुकी है। शो में पोद्दार और गोयनका परिवार के लोग मिलकर होली का त्योहार मना रहे हैं, जिसमें अभीरा और रूही के बीच ठंडई पीने का कंपटीशन होता है। यहाँ रूही जीत जाती है, इस वजह से अभीरा का मुंह बन जाता है। अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि भांग के नशे में अभीरा और रूही जमकर डांस करती है। दोनों का डांस सबको खूब पसंद आता है और फिर रूही अभीरा नशे में खूब मस्ती करने लगती है। पहले वह ठंडाई वाले के पास जाकर अपना नाम पूछती है, फिर वह परिवार वालों के पास पहुँच जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रूही और अभीरा को नशे की हालत में देखकर परिवार के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन दोनों की हरकतों पर चाची मनीषा खूब हंसती है। अभीरा और रूही एक एक करके सबको निकनेम से बुलाती हैं। इसके बाद अभीरा दादी सा के पास जाती है और उन्हें ड्रैगन सा बोलने वाली होती है, लेकिन रूही उसे रोक देती है और फिर दोनों अरमान की तरफ मुड़ जाती है। अभीरा अरमान को खड़ूस मान बोलती है तो रूही उसे अरमान ही बुलाती है। इस वजह से दोनों के बीच बहस हो जाती है और अभीरा रूही के मुंह में गुजिया डालने की कोशिश करती है, लेकिन वह गलती से दादी साह के मुंह में डाल देती है। शो में आगे देखने को मिलेगा कि अभीरा के इस हरकत की वजह से दादी साह भड़क जाती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। तब विद्या आगे आकर अपनी बहू का सपोर्ट करती है। वह बोलती है इसमें अभीरा की कोई गलती नहीं है और भांग तो रूही ने भी पी है, सिर्फ एक बहू को क्यों डांट पड़ रही है, गलती दोनों बहू की है। इस पर दादी साह बोलती है बड़ी बहू को देखकर ही छोटी बहू सीखती है, अभीरा ने किया है तब रूही ने उसके पीछे पीछे चल पड़ी। तब विद्या अपनी सास की छोटी बहू होने के लॉजिक को गलत बताती है और बोलती है कि यहाँ पर माफी कोई नहीं मांगेगा। शो में आगे दिखाया जाएगा कि अभीरा को अरमान अपने साथ लेकर जाता है और रूही अपने बी नानू के साथ चली जाती है। तब रूही बी नानू के सामने बोलती है क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे सब छोड़कर चले जाते हैं, पॉपी माताश्री अबीर सब छोड़कर चले गए। आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा किसकी याद आती है, ये एक टॉप सीक्रेट है। मुझे सबसे ज्यादा अक्षरा मौसी की याद आती है, यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ अरमान भी अभीरा को शांत करवाने की कोशिश करता है।